जी बिल्कुल शिवाय, मेरा नाम शोभा नाम अलीगढ़ लोकल 104.6 FM तड़का पर सुनाई देता हूँ, दिखाई देता हूँ देसी लड़का शिवाय के नाम से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मिल जाऊंगा आपको अजय शिवाय के नाम से। इस वक्त बात करने का टाइम है अपने शो में हेल्थ के बारे में, और खासकर फीमेल्स से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, IVF से जुड़ी, इनफर्टिलिटी से जुड़ी, IVF के बारे में आज जानने के लिए हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जया शर्मा जी मौजूद है नोबल IVF एंड 3D लेप्रोस्कोपी सेंटर से, यूनिट ऑफ राजमाता हॉस्पिटल्स, एक तो सासनी गेट मथुरा रोड अलीगढ़ पर पड़ता है और दूसरा पड़ता है अवंतिका फेज 1 रामघाट रोड अलीगढ़ पर। इस वक्त अवंतिका फेज वाले सेंटर पर हैं हम लोग और जया शर्मा मैम हमारे साथ हैं। वेलकम है मैम। थैंक यू शिवा, थैंक यू FM तड़का। मैम IVF जो टर्म है और ये है क्या, इसके बारे में बताएं पहले। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन जनरल टर्म्स हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स बोलते थे ART। ART means assisted reproductive techniques, and in that technique IVF is one of the technique. Like IUI is a part of ART, ICSI is again a part of ART. ART means assisted. जब कोई कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है कुछ टाइम तक, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉजेस होते हैं, उसमें कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जो हमें असिस्ट करना पड़ता है प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, उसको इसीलिए इसका जनरल टर्म असिस्टेड रिप्रोडक्शन रखा गया है। अब IUI क्या होता है? IUI में हम लोग सिंपल मैकेनिज्म होता है, स्पेशली IUI जब मेल फैक्टर होता है जिसमें स्पर्म नंबर कम होता है, उसमें सीमेन लेके, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, पता नहीं चल रहा क्यों नहीं हो रहा है, सब चीजें ठीक चल रही है, ओवुलेशन ठीक हो रहा है, स्पर्म ठीक है, नलियां जो ट्यूबल पेटेंसी है टेस्ट वो भी ठीक है, तो हम IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, जिसमें सीमेन प्रिपेयर करके स्पर्म सेपरेट करके उन्हें वॉश करके यूट्रस की लाइनिंग पे ओवुलेशन के टाइम पे रखते हैं, जो कि सिंपल प्रोसीजर है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो नेचुरल होगा। कुछ लोगों को IUI और IVF में कंफ्यूजन है। IVF इज टोटली डिफरेंट, इट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एग्स का और स्पर्म्स का, वो लेबोरेटरी में होता है, एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। उसके बाद फीमेल की जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, जैसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो एम्ब्रियो इज लाइक अ सीड एंड एंडोमेट्रियम इज लाइक अ सॉइल, तो हम उसमें उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी ग्रो करती है और हम लोग को एक अच्छा आउटकम मिलता है उन कपल्स के लिए जिनको प्रेगनेंसी होने में या फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। हम तैयारियां क्या करी जाती हैं, क्या पेशेंट को भी कुछ पहले से प्रिपेयर करने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए बोला जाता है, किस तरीके की प्रिपरेशन होती है IVF करने से पहले? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरह की तैयारी होती है, पहली मेंटली तैयारी, जिसे कि हम काउंसलिंग बोलेंगे। काउंसलिंग में हर पार्ट पे एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका इंडिकेशन क्या है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और जो जो मिथ है वो सारे मिथ्स को भी हमें काउंसलिंग के दौरान क्लियर करना पड़ता है। पहला मिथ कि IVF हम करा रहे हैं, हमारे 10 साल से बच्चे नहीं है तो गारंटी है, तो ये बड़ा मिथ है कि भाई गारंटी नहीं होती है, कोशिश होती है, और हर पेशेंट्स का एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस कपल की फैक्टर्स देख के आपकी प्रोबेबिलिटी एक साइकिल की ये है। तो एवरेज एक जो बुक्स कहती हैं वो 30-40% एक साइकिल का रिजल्ट होता है, इससे ज्यादा भी होता है और कभी इससे कम भी होता है, पर एवरेज एक 40% रिजल्ट अपन मान के चलेंगे एक साइकिल में, तो ये चीजें हमें क्लियर करनी पड़ती है। दूसरी चीज, हमें ये कारण पता करना पड़ता है कि उनको अभी तक प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई है। मेल फैक्टर है कि स्पर्म कम है, स्पर्म है नहीं सीमेन में, या बहुत सारे फीमेल फैक्टर हैं, जैसे कोई फाइब्रॉइड है तो उसे हमें पहले रिमूव करना होगा, एडिनोमायोसिस है उसे पहले करेक्ट करना होगा, एंडोमेट्रियोसिस है उसे पहले लेप्रोस्कोपी से करेक्ट करना पड़ेगा, सिस्ट हटानी पड़ेंगी। तो ये सारी एक मेडिकल तैयारी है कि हमें यूट्रस, जैसे कि होता है ना कि हमें अगर कोई कुछ बोना है तो हमें जमीन भी तैयार करना है और उसका बीज भी अच्छा रखना है, इसी तरह रिप्रोडक्शन में है कि हमें यूट्रस भी तैयार करना है और एम्ब्रियो भी अच्छा करना है। तो यूट्रस की तैयारी होती है, उसकी लाइनिंग कैसी बन रही है, पेशेंट्स के हार्मोन्स कैसे हैं, उसका ओवरवेट तो नहीं है, ओबीज पेशेंट्स में आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लीन एंड थिन तो नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कोई मल्टीविटामिन विटामिन डी विटामिन बी12 इनकी कमी तो नहीं है। तो ये हर चीज को पहले आपको करेक्ट करना होता है
लाइफस्टाइल कैसा है पेशेंट्स का, ओवरवर्क है, वर्किंग फीमेल्स हैं तो उनको रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, और आपका फूड हैबिट जो है वो आपको वेजीज ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, लिक्विड्स लेने हैं, रिलैक्सेशन वाले कुछ मेथड्स लेने हैं, तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली स्टेबल रहना है। एंड फर्स्ट थिंग, इस प्रोसेस में जब हम जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि फेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज और मैं कहती हूँ कि ये इस टेस्ट में कि क्या गारंटी है आपकी, आपका अच्छा है ये, इसमें मैं कहती हूँ कि बस ये दो चीजें हैं जो इस ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका विश्वास कि व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, मेरी ईमानदारी कि मैं जो कर रही हूँ पेशेंट के भले के लिए, उसके बेस्ट आउटकम के लिए ही करूंगी। IVF कराने से पहले लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, या करने के बाद में लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत होती है? बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइफस्टाइल इज 90% ऑफ थिंग्स दैट रियली इम्पॉर्टेंट इज, कि अगर थोड़े से चेंजेस हम लाइफस्टाइल में हमेशा बताते हैं रिगार्डिंग फूड हैबिट्स, रिगार्डिंग द डाइट, रिगार्डिंग द एक्सरसाइज, रिगार्डिंग रिड्यूसिंग वेट और इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन और एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी लेवल एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशंस हम पहले कराते हैं, और उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी आती है, थायराइड है, जो भी है, उसको करेक्ट किया जाता है, और आइडियल वेट, आइडियल कंडीशन ऑफ यूट्रस, आइडियल कंडीशन ऑफ ओवरी जितनी हो सकती है उस पेशेंट की, उसको उस लेवल तक लाया जाता है। प्लस एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, द पीस, द हारमोनी, द अंडरस्टैंडिंग एंड द नेचर एंड एक्सपेक्टेशन एंड द डिटेल ऑफ द प्रोसीजर मस्ट बी नोन टू द पेशेंट। मैम मैसेज क्या देंगी, काफी सारे लोग सुन रहे होंगे आपको, जो लोग हमें डिजिटल मीडिया पर देखेंगे, IVF से जुड़ी इस टॉपिक पर आज बात हो रही है, तो इसे जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर कोई जनरल मैसेज क्या कहेंगे? हाँ, जो टेक होम मैसेज मैं दूंगी, पहली बात तो IVF एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम एंड्रॉयड कैरी करते हैं ऐसे ही एक एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आजकल नहीं करना चाहिए हमें। अगर इंडिकेशन है और डॉक्टर कह रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उन चीज़ों को कराना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि IVF हुआ, दिस इज सिंपल लाइक कि हमारा कोई और डिसीज़, इट्स अ टाइप ऑफ डिसीज़ नाउअडेज, कि अगर हमें को खांसी है तो मैं डॉक्टर से खांसी की दवाई लूंगी, अगर मुझे फीवर है तो मैं लूंगी, इसलिए मेरे प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मैं प्रेगनेंसी करने जाऊंगी, तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसमें कोई हमें टैबू हो, कोई हमें अंधविश्वास हो, कोई वो हो। यू शुड कंसल्ट एंड यू शुड बी फ्री फ्रॉम दिस टैबू कि हमें कंसल्ट नहीं करना या कोई क्या कहेगा या IVF से ये हुआ है और IVF में कोई रिप्लेसमेंट हो जाएगा स्पर्म बैंक का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि इनफर्टाइल कपल्स को दिया जाता है विद ऑल एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल द काउंसलिंग एंड ऑल द सपोर्ट। दिस इज माय मैसेज टू ऑल। नोबल IVF इज द प्लेस, नोबल IVF एंड 3D लैप्रोस्कोपी सेंटर जो कि यूनिट ऑफ राजमाता हॉस्पिटल है, अवंतिका फेज 1 में रामघाट रोड पर है, और दूसरा आपका है सासनी गेट मथुरा रोड अलीगढ़ में। सुन जाइए 104.6 FM तड़का। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और कॉल भी कर सकते हैं 9057-5317-51 पर। बाय बाय।